Hey, what's up guys? This is Shreyas Agarwal and welcome to the another episode of Tech Safari. नाम तो सुना ही होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने खुद के स्टिकर बना के WhatsApp पे कैसे सेंड कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने काफी स्टिकर्स अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेंबर्स को भेजे होंगे, गुड नाइट के, पॉलिटिशियंस के, हीरोज के, सुपर हीरोज के, गुड मॉर्निंग, सब चीज के आपने भेजे होंगे। बट आपने कभी सोचा है कि आप अपने स्टिकर्स क्रिएट करके कैसे भेज सकते हो? आई एम श्योर आपने नहीं सोचा होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने खुद के स्टिकर कैसे क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो गुड नाइट का हो, गुड मॉर्निंग का हो, बाय का हो, किसी का भी हो, आप उनको कैसे क्रिएट कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के सामने कैसे इंप्रेशन डाल सकते हो। तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और आपके अपने चैनल टेक सफारी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स इसके लिए फिर सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर पर सिंपल सर्च कीजिए बैकग्राउंड इरेजर, आप सिंपल इसको सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन यहाँ दिख रहा है बैकग्राउंड इरेजर का, इसको आप टैप कीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। आप कोई और बैकग्राउंड इरेजर भी ले सकते हैं अगर आप कोई और लेना पसंद करते हो तो। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो बैकग्राउंड है वो इरेज करना है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक लोड अ फोटो का ऑप्शन मांगेगा। लोड अ फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपकी पूरी गैलरी खुलकर आ जाएगी। अब फ्रेंड्स सिंपल आपको क्या करना है, कोई भी एक अपनी इमेज ले लेनी है। जैसे मैं इमेज की जगह कोई वॉलपेपर लेके दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए मैंने ये वॉलपेपर ले लिया। अब आपको ऊपर डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपको इसका बैकग्राउंड इरेज कर लेना है। बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आपको क्या करना है, ऑटो पे क्लिक करना है। ऑटो पे क्लिक करने के बाद जो आपका बैकग्राउंड है उसको आपको यहाँ पर लाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल पूरा जो बैकग्राउंड अपना इरेज हो चुका है। अगर तो भी आपका थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड बच जाता है, इरेज नहीं हो पाता, तो आपको मैनुअल के ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप मैनुअल के ऑप्शन में आ जाओगे तो आप यहाँ से मैनुअली इसको हटा सकते हो। जहाँ जहाँ पर आप इस कर्सर को ले जाओगे वहाँ से ये हटता चले जाएगा, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ऐसे आप अपनी कोई भी जो इमेज है उसको सिंपली उसका बैकग्राउंड हटा लीजिए। बैकग्राउंड हटाने के बाद डन पे क्लिक कीजिए। डन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है वो सेव हो चुका है। अब सिंपल आपको क्या करना है, अपने फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको इमेजेस में जाना है। इमेजेस में जाने के बाद आपने जो अभी इमेज सेव करी है सिंपल उसको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ से मूव करना है। मूव करने के बाद कोई भी एक फोल्डर में ले जाना है। तो जैसे मैं पावर डायरेक्टर के फोल्डर में ले जाता हूँ इसको। पावर डायरेक्टर के फोल्डर में मैं ले गया, आप कोई भी फोल्डर में ले जा सकते हो और इसको यहाँ पर मूव कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मूव हो चुकी है। अब सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको अब दोबारा प्ले स्टोर पर जाना है। अब यहाँ पर सर्च करना है आपको पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप। जैसा आप देख सकते हैं ऊपर लिखा आ चुका है पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसी एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आप इसको ओपन कीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपकी गैलरी में जितने भी PNG हैं, PNG मीन्स होती हैं PNG इमेज होती हैं जिसमें कि बैकग्राउंड नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बैकग्राउंड हटा के दिखाया था, जैसे ही आप उसको बैकग्राउंड हटा देंगे तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पावर डायरेक्टर में सेव करी थी वो, तो आप देख सकते हैं पावर डायरेक्टर मेरा है। मैं पावर डायरेक्टर पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरी जो दिल वाली PNG है यहाँ पर आ चुकी है। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी इस एप्लीकेशन में, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं सिंपल आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये आपको जो ऐड के ऑप्शन देख रहे हैं आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे आपको जो व्हाट्सएप पे आपके सारे स्टिकर पहुँच जाएंगे। चलिए अब मैं आपको व्हाट्सएप अपना खोल कर दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना ये व्हाट्सएप खोल लिया। व्हाट्सएप खोलने के बाद आपको सिंपली इमोजी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो इमोजी आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको नीचे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, एक इमोजी का, एक GIF का और एक पेज और दिख रहा है आपको। उस पेज पे आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देख सकते हैं मैंने दो इसमें ऐड किए थे, एक तो पावर डायरेक्टर वाला, आप देख सकते हैं पावर डायरेक्टर वाले में मेरी जो 6 इमेज पहले से हैं, और एक मैंने जो आपकी एक आपको डेमो करके दिखाया था हार्ट का, वो भी यहाँ आ चुकी है, और एक मैंने आपको ऐड करके दिखाया था वो भी सारी यहाँ आ चुकी हैं। अब सिंपल आप कोई भी इसमें से बेच सकते हैं। जैसे मैं जो हर्ट है उस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं हर्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हर्ट की मेरी स्टिकर चली गई है, या फिर मैं अपना कोई भी एक इमेज पे, जैसे मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज चली गई है, इस पे करता हूँ तो ये इमेज चली गई है एज अ स्टिकर। तो फ्रेंड्स आपको इस एप्लीकेशन का ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप इसको एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करेंगे तो आपका ऐसे इमेज जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये इमेज गई हुई है, तो आपको सिंपल इसका यूज़ करना है तभी ये स्टिकर बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स चलता हूँ, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।